हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। सैप डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरो सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में, जिसे बनाया है केली एरोस्पेस सिंगापुर ने। एरो की काफ़ी चर्चा हो रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। अभी फिलहाल इसका एक फुल स्केल प्रोटोटाइप बनाया गया है जो कि सिंगापुर में है, और कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसका एक स्केल्ड डाउन प्रोटोटाइप भी बनाया गया है। इसकी पहली फ्लाइट बहुत जल्द होने वाली है, इसी साल 2021 में। कंपनी ये दावा कर रही है कि कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्री ऑर्डर्स उसे मिल चुके हैं एरो के लिए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो कारण है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ऐसा हो सकता है। चूँकि एरो एक स्टेल्थी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसीलिए इट इज़ मेड ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट्स, ताकि इसका जो RCS है यानी रेडार क्रॉस सेक्शन और इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर, ये कम किया जा सके और ये रेडार की पकड़ में ना आए। और जैसे मैंने बताया था कि ये एक सुपरसोनिक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है और इसकी जो रफ्तार है वो ध्वनि से भी 2 गुना ज़्यादा है। इसकी स्पीड Mach 2.1 की है। मैक्सिमम टेकऑफ वेट इसका 16.8 टन्स है और रेंज 4,800 किलोमीटर्स, जो कि तेजस MK2 से भी ज़्यादा है। मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में आपको। सबसे अच्छी बात है कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेवलप कर रही है। और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है इस पूरे एरो में वो है इसका प्राइस, जो के $9 to $16 million है। ये सबसे कम है एक सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए। तो क्या भारत को भी एरो खरीदना चाहिए? क्या उसे सिंगापुर से बात करनी चाहिए? ये सवाल मैं आप सबसे करता हूँ, आप सब मुझे इसके बारे बताएं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि ये पहली बात तो अनमैन्ड है यानी पायलट की जान नहीं जाएगी इसमें, सस्ता है, सुपरसोनिक है, डिसेंट लोड कैरी कर सकता है और इट कैन बी पार्ट ऑफ कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। तो इतनी सारी खूबियों के होते हुए भी इसका जो प्राइस है वो सबसे सस्ता है। और अगर हम अपने इसके कैट्स वॉरियर से कंपेयर करें तो कैट्स वॉरियर तो काफ़ी छोटा है, इसीलिए इसका प्राइस भी कम होगा, और एरो काफ़ी बड़ा है, मैसिव है, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं है इसमें। पर जहाँ तक अगर हम इसको अपने तेजस से कंपेयर करें तो तेजस और इसका एरो का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो ऑलमोस्ट बराबर है, और रेंज की बात करें तो एरो का रेंज 1,300 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो ये सुपरसोनिक है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है तेजस से, ज़्यादा रेंज कवर करता है, और प्राइस सबसे कम है। क्योंकि तेजस की बात करें तो तेजस अगर अपने फुल वेपन पैकेज के साथ आएगा तो कम से कम मुझे लगता है कि $60 to $70 million का होगा, और वहीं ये $16 million का है, तो प्राइस भी बहुत कम है। तो अब देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेती है इस पे डिसीजन, अगर डिफेंस एक्सपर्ट अपनी राय दें तो, कि क्या भारत एरो खरीद सकता है या खरीदना चाहिए। तो ये बात थी दोस्तों आज एरो की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।